हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 4 ऑफ एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज फ्रॉम पेज 274, टॉपिक 17.4, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फर्स्ट लाइन इज ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमें पता है कि कौन होते हैं मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। ये आपको एक और तरीके से पता होना चाहिए कि ब्लड क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। नेक्स्ट लाइन इज अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय दी आरबीसीज इन दी ब्लड। अब जो यहाँ पर परसेंटेज आपको बताई होंगी वो आपको पता होनी चाहिए कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रेवल करती है ब्लड के थ्रू। तो जो ऑक्सीजन है 97% वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, आरबीसीज के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। बाकी की 3% कैसी होती है, डिजॉल्व होती है प्लाज्मा के अंदर। तो ये जैसे मैंने अपनी बुक में साइड में लिखा है, आप भी लिख सकते हैं कि आरबीसी के थ्रू कितनी ट्रेवल करती है और प्लाज्मा के थ्रू कितनी। आरबीसी के थ्रू 97%, प्लाज्मा के थ्रू 3%। नेक्स्ट इज नियरली 20-25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसीज। तो ऐसे अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया, कार्बन डाइऑक्साइड 20-25% आरबीसीज के थ्रू ट्रेवल करती है, वेयर एज द 70% ऑफ इट इज कैरिड एज द बायकार्बोनेट, जो कि मेजर पोर्शन है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रेवल होगी, बायकार्बोनेट्स की फॉर्म में। एंड अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। बाकी की 7% डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा की तरह के साथ ट्रेवल करती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल प्लाज्मा के थ्रू कितनी परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रेवल करती है, तो वो 70+7 आएगा, दैट इज 77, क्योंकि जो 70% था वो बायकार्बोनेट में था और 7 कैसा था, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन दी प्लाज्मा, तो दोनों प्लाज्मा के थ्रू ही हैं। इसलिए टोटल अगर पूछा जाए तो 77% होगा। तो आपको बायकार्बोनेट्स का भी पता होना चाहिए, कार्बोनेट्स का भी, और डिजॉल्व थ्रू द प्लाज्मा भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज 17.4.1, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट लाइन इज हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन दी आरबीसीज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, दैट इज अ हीमोग्लोबिन। उसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है। नेक्स्ट लाइन इज ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आई हुई है और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैसी होती है, रिवर्सिबल मैनर में, वो चेंज हो सकती है। और वो बनाती क्या है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो वो बनाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नेक्स्ट लाइन इज ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स को, याद रखना है आपको। नेक्स्ट लाइन इज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है वो मेनली किस चीज़ पर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। आपको पार्शियल प्रेशर की तो डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो ये नहीं है कि सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड कर रही है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर भी डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर भी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेनली किस पर डिपेंड कर रही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है मेनली। नेक्स्ट लाइन इज अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से कर्व बनता है अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को प्लॉट करते हैं, तो कैसा कर्व बनेगा, सिग्मॉइड कर्व, विच इज द एस शेप कर्व। दिस कर्व इज नोन एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसके बीच में बना है, पहले तो ये पता होना चाहिए, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HP और किसके बीच में बने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि उस कर्व की शेप क्या होती है, तो उसकी शेप होती है सिग्मॉइड कर्व। नेक्स्ट लाइन इज दिस कर्व इज नोन एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये हम पढ़ चुके हैं, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ कंसेंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। तो ये कर्व की यूजफुलनेस क्या है, मतलब किस चीज़ में ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं PCO2 और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किस तरीके से इफेक्ट करते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन के साथ,
तो उसमें हमें स्टडी करने में मदद करते हैं, कैसे वो वेरी करेंगे, किस तरीके से क्या होगा, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन इज इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो अभी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए फेवर जो हैं फैक्टर्स वो करते कौन कौन से हैं। ज़्यादा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, H+ आयन की कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ये चार फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। और कहाँ पर फेवरेबल होती हैं कंडीशंस? एल्वियोलाई के अंदर। और ये जब फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं तो इसे हम ग्राफ के अंदर जब देखेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट कहलाता है, जो कि मेनली हेल्डेन इफेक्ट में होता है। वो NCERT में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए जितना मैंने बताया। नेक्स्ट इज वेयर एज इन द टिश्यूज वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई H+ कंसेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब टिश्यू की साइड पे क्या होगा? बिल्कुल उल्टी चीज़ें होंगी। टिश्यू पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, PO2 कम होगा, और जो H+ आयन कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये चार फैक्टर्स फेवरेबल होंगे फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ताकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएं। इसे हम राइट शिफ्ट कहेंगे। ये बोहर इफेक्ट के अंडर आता है। आपको ये फैक्टर्स चारों के चारों पता होने चाहिए, और एल्वियोलाई और टिश्यू साइड पर कैसे होता है, कौन सी चीज़ बढ़ती है, कौन सी चीज़ घटती है। नेक्स्ट लाइन इज दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सर्फेस एंड गेट्स डिसोशिएटेड एट द टिश्यूज। तो ये हमें क्लियरली बताते हैं कि ऑक्सीजन बाउंड कब होगी हीमोग्लोबिन के साथ, लंग के सर्फेस पे, क्योंकि अभी हमने एल्वियोलाई में पढ़ा, और डिसोशिएट कब होगी, अलग कब हो जाएगी हीमोग्लोबिन से, टिश्यूज की साइड पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। जब नॉर्मल कंडीशंस होंगी बॉडी की, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन ट्रेवल करेगा, कहाँ पर? टिश्यूज के पास। अब हम देखते हैं ग्राफ। आई होप सो आपको ये सारे जो फैक्टर्स मैंने बताए, बाइंडिंग के एल्वियोलाई में कैसे होता है, टिश्यू में कैसे होता है, कितना वो ट्रेवल करती है, ये सब क्लियर होंगे। ग्राफ की शेप वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब भी आप ध्यान रखना। अब हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं। अब एक बार आप ग्राफ की तरफ ध्यान दीजिए। ये ग्राफ पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये ग्राफ है किस चीज़ का। ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और अब इस ग्राफ की शेप क्या है जो मैंने बताई आपको? एस शेप कर्व है, जिसका प्रॉपर नाम है सिग्मोइड कर्व। फिर आप देख सकते हैं ये प्लॉट किस किस चीज़ के बीच में हमने किया है। वाई एक्सिस पर क्या है? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। एंड एक्स एक्सिस पर हमें शो किया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, किस में? इन द मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 50% सेचुरेशन कहाँ पर हो रही है? 50% सेचुरेशन होती है 25 mm ऑफ Hg पर। ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस ग्राफ में हमें ज़्यादा कुछ नहीं कवर करना था, मेन तो आपको प्लॉटिंग पता होनी चाहिए, शेप पता होना चाहिए, और ये ग्राफ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस बारे में है, और फिर लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और उनकी कंडीशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक 17.4.2, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट लाइन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको लगेगा इजी सा है, लेकिन बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस लाइन में। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन करेगा तो वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, लेकिन ऑप्शन में ना हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी दिया होता है, वो आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। ये आपको बहुत ध्यान से लिखना है, अपनी बुक में मेंशन कर लेना प्रॉपरली कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व होगा, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जब बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होगा। सो द लाइन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20-25%। तो अब हमें परसेंटेज भी बता दी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में कितना कैरी करेगा, 20-25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर भी मेन किससे रिलेटेड होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, हम यही सोचते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर। ये आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, उसे अच्छे से हाईलाइट कर लेना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा अब तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला मेजर फैक्टर होगा, नहीं,
इधर भी PO2 ही मेजर फैक्टर होगा, ये NCERT में मेंशन है, आप भी ढंग से अपनी बुक में नोट कर लीजिए, विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग. नेक्स्ट लाइन इज व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो एज इन द टिश्यूज मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स. अब जब टिश्यूज़ की साइड पर PCO2 तो ज़्यादा होता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा, और PO2 कम होता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग ज़्यादा होगी. वेयर एज वेयर द PCO2 इज लो PO2 इज हाई एज इन द एल्वियोलाई. अब देखो हमने एल्वियोलाई में पढ़ा था ना कि PO2 तो ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है, तो जब PCO2 कम है तो वहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किस चीज़ से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से, नहीं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ बाइंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई. जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हुआ हुआ था हीमोग्लोबिन के साथ वो टिश्यूज से डिलीवर हो जाएगा एल्वियोलाई की तरफ. नेक्स्ट लाइन इज RBCs कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अब हमें पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि RBCs के अंदर एंजाइम कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको ये पता होना चाहिए. फिर कई बार तो यही नहीं पता होता कि अच्छा RBCs के अंदर एंजाइम भी होता है, तो ये भी पता होना चाहिए. फिर अगर आपसे पूछा जाए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में मिलते हैं हमारी बॉडी के किस सेल में मिलते हैं, तो मिलते हैं RBC के अंदर. तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए. नेक्स्ट इज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू. काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है क्या वो सिर्फ RBCs में मिलते हैं, नहीं उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी प्लाज्मा में भी मिलती है. नेक्स्ट लाइन इज दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन द बोट डायरेक्शन. अब हमें जो नीचे येलो कलर के पोर्शन में ये रिएक्शन शो की हुई है तो इसमें ये एंजाइम हेल्प करता है और दोनों डायरेक्शन में. अब आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन हमें शो की हुई है ये आपको पता होना चाहिए, CO2 और वाटर जब कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जिंक एज अ कोफैक्टर नीडेड होता है, ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में आगे पता भी चल जाएगा लेकिन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं. तो वो क्या बनेंगे, H2CO3 विच इज़ ए कार्बोनिक एसिड. फिर ये जो रिएक्शन है ये उल्टी साइड में भी हो सकती है, दैट इज़ H2CO3 के ऊपर जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करेगा तो वो HCO3- और H+ बना सकते हैं. तो ये आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए और ये दोनों साइड अकर करती हैं. नेक्स्ट लाइन इज एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू द कैटाबोलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड दैट इज RBCs एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म HCO3- एंड H+. अब ये जो हमें रिएक्शन शो की हुई थी ये टिश्यू साइट पर बताई हुई है हमें, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है टिश्यू पर, ज़्यादा होता है, और PO2 अगर मैं पूछूँ तो वो कम होता है. तो अब यहाँ पर कैटाबॉलिज्म होता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ करते हैं ब्लड के अंदर. ब्लड में किन मेन पार्ट्स में, RBC और प्लाज्मा में, और क्या चीज़ें बनाते हैं, HCO3- और H+. नेक्स्ट लाइन इज एट द एल्वियोलर साइट वेयर द PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. अब एल्वियोलर साइट पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, एल्वियोली और टिश्यू में ना बिल्कुल उल्टी उल्टी रिएक्शन होती है, और सारा जैसे PO2 PCO2 H+ एंड की कंसेंट्रेशन सारे अपोजिट फैक्टर्स होते हैं, तो आप एक भी याद रखेंगे तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा. तो अब जब रिएक्शन यहाँ पर उल्टी साइड में परफॉर्म होती है तो वो क्या चीज़ बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. नेक्स्ट इज दस द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड इज बाय कार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई इज रिलीज्ड आउट एट कार्बन डाइऑक्साइड. तब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो गई थी बाय कार्बोनेट की फॉर्म में कहाँ पर, टिश्यू लेवल पर, वो वापस से एल्वियोलाई में चली जाती है और वहाँ से बाहर बॉडी से बाहर कैसे निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जैसे हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ी थी, अब ये है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. Every 100 ml of deoxygenated blood, ध्यान रखना है deoxygenated blood, delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. अब देखो हमने जब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर 100 ml ब्लड जो था वो कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा था, 5 ml ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 4 ml ट्रांसफ़र होगी. तो आई होप सो आपको आज का सारा समझ आ गया होगा, थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक था, इसे एक बार दोबारा भी आप सुन सकते हैं. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.